नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरजाला.com। हम हैं रामपुर के ज्वालानगर बाजार में, जहां दिवाली की तैयारियां हैं और कल धनतेरस थी। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका ये है और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा यहां पर भीड़ इतनी हो जाएगी शायद हम लोगों को जगह भी ना मिले। ये देखिए पूरा बाजार सज रहा है, हमारे फूल वगैरह और तमाम जो है दुकानें सजी हुई हैं। छठ पूजा से लेकर भैया दूज की तैयारियां भी चल रही हैं और आज छोटी दिवाली भी है, शाम से ही इसका अंदाजा शहर में जो पटाखों से हो जाएगा। लेकिन कल की जो बड़ी बड़ी दिवाली है उसको लेकर कहीं ना कहीं मिठाई का कारोबार जहां लगभग बहुत ज्यादा होता है, तो वहीं घर को सजाने को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। हमारे देखिए ये जो है फूल वाले साथी हैं, इनसे इनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? सचिन सैनी। क्या नाम है? सचिन सैनी। सैनी जी ये बताइए पिछली बार क्या रेट था फूल का? पिछली बार 160 था। 160। तो कब से करते हैं कारोबार आप फूलों का? दिवाली बेचते हैं। दिवाली बेचते हैं। इस बार क्या रेट है? 120-100। यानी पिछली बार सस्ता है? पिछली बार से सस्ता। क्या कारण रहा? बहुत हुआ आपकी बार तो कहना, आपके यहाँ बहुत आया है, कल को और भी मतलब बिकेगा। अच्छा, इनका कहना है, सचिन नाम है आपका, सचिन जी का कहना है कि गेंदा इस बार ज्यादा आया है तो उसका रेट जो है वो कम है पिछली बार से मुकाबले, 120 रुपए किलो 100 रुपए किलो तक वो बेच रहे हैं। तो ये फूलों का कारोबार भी ठीक ठाक होता है दिवाली पर। तो कहीं ना कहीं कपड़ा बाजार और पूरी तरह जो है ज्वालानगर का बाजार सजा हुआ है, जिसमें सजाने से लेकर हर तरीके की चीजें और सबसे मेन बात है लक्ष्मी गणेश की, जहां मूर्तियां धनतेरस पर बहुत ज्यादा खरीदी गई हैं तो उनकी फोटो की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। उनकी जो है अलग अलग कलर की जो मतलब की फोटोज हैं और पिक्चर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा जो है लोग खरीद रहे हैं। ये बताइए दिवाली पर कैसा रहा कारोबार, अभी क्या लग रहा है कि जो है क्या क्या चीज की डिमांड है? डिमांड तो नए से नया आइटम आता वो बिकता ही है। अच्छा, लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्तियां तो बिकती ही हैं और आप जो है उनकी चित्र भी बेच रहे हैं, तो क्या कितनी डिमांड है? सही है, कुल मिला के बढ़िया रहा काम बेस है। अच्छा अच्छा, काम सही है। पिछले मुकाबले पे थोड़ा हल्का है। अच्छा, पिछली बार जरा व्यवस्था नहीं थी तो माल कम था। अच्छा, अब कैसी दुकानदार भी डबल है। अच्छा, और माल भी ज्यादा है तो अच्छा रहा कारोबार। हाँ, फिर भी किसी का हल्का है किसी का सही है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है दिवाली अच्छी होने वाली है। हाँ, अच्छी। रमेश सैनी जी कब से कर रहे हैं कारोबार जो है लक्ष्मी जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति आप बेच रहे हैं? 2008 से। कैसा रहा कारोबार इस बार धनतेरस? अच्छा रहा। और अब दिवाली पर? दिवाली का भी अच्छा रहेगा। तो ये कहाँ से मंगवाते हैं मूर्तियाँ? आगरा से, कलकत्ता से। आगरा और कलकत्ता से आती हैं? अच्छा, तो कलकत्ता से माल लाकर है। कितनी कीमत से शुरुआत है और कहाँ तक की है मूर्ति? हाँ, मूर्ति क्या कहते हैं 10 रुपए से लेकर 2100 तक की मूर्ति है हमारे पास। अच्छा अच्छा, कौन सी 2100 वाली कौन सी है? 2100 रुपए का रखा है जोड़ा ऊपर लक्ष्मी गणेश का। अच्छा ठीक है, ये 2100 का है? ये 1600 रुपए का है। सामने वो भी रखा 1400 रुपए का। शेरा वाली मूर्ति 1100 रुपए की। तो कुल मिलाकर यह है कि अच्छा कारोबार रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।